अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो हम शुरू करते हैं। एक चीज जो और आपको बताने वाली है, कि किसी भी ई कोर मॉडल को भी आप यूएमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने ई कोर मॉडल खोला हुआ है, इसका जो रूट पैकेज है इस पर मैंने क्लिक किया है, और ये ऊपर एक एडिटर बना हुआ है, सैम्पल ई कोर एडिटर, एंड हेयर इट इज रिटन कन्वर्ट टू यूएमएल मॉडल। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। ओके जी, देखते हैं क्या बना है इससे। ये देखें, यहाँ पे लाइब्रेरी डॉट यू एम एल एक मॉडल बना है। ये लाइब्रेरी का रूट पैकेज है, इसके अंदर ये बुक क्लास है, राइटर क्लास है, फिर लाइब्रेरी क्लास है, ये हो गया। इनके साथ ये इनके टैग्स लग गए हैं, ये एसोसिएशन में कन्वर्ट हो गया। ये बुक इज टाइप ऑफ क्लास लेवल टू, और ये M2 लेवल पे क्लास का कॉन्सेप्ट है, और यही क्लास M3 लेवल पे ई क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो दोनों स्टीरियोटाइप्स लगे हुए हैं इसके साथ। जैसे मैंने आपको बताया था, इसको आप पपायरस मॉडल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यू कैन विजुलाइज इट ग्राफिकली एज वेल। तो ये दिस ऑल इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट यूएमएल डायग्राम। इट इज कॉल्ड प्रोफाइल डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एक्सप्लेन व्हाट इज यूएमएल प्रोफाइल, एंड देन आई डेमोन्स्ट्रेट हाउ वी क्रिएट। So as you know that we have three modeling levels, that is M3, M2, M1. On the other hand, the fourth level, M0, is actual execution level. So modeling levels are three. These are standard MDA levels. And what is a profile? Profile is an arbitrary level between M2 and M1. You can conceptualize human profile which resides between M2 and M1. It is below M2 level because UML meta model is at M2. We drive UML profile from meta model concepts, and then we apply these concepts at M1 level. So it that's why conceptually you can think of it as arbitrary level between M2 and M1. Okay, let's move forward. UML profile diagram is structured diagram which describes lightweight extension mechanism to the UML by defining custom stereotypes, tag values, and constraints. Profiles allow adaptation of UML meta model for different platforms or different domains. The examples of platform are J2EE or .NET. आप कहते हैं जी J2EE के लिए उसको adaptation करें, UML के pure concepts को थोड़ा सा हम उसमें mix करें, उसमें थोड़ा सा plug
प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स, उसका डोमेन स्पेसिफिक हो सकता है, फॉर एग्जांपल रियल टाइम डोमेन और बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग डोमेन। प्रोफाइल्स ओनली अलाउ एडॉप्टेशन, आई रिपीट, प्रोफाइल्स ओनली अलाउ एडॉप्टेशन, दैट मीन्स अ लिटिल चेंज और कस्टमाइजेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग यूएमएल मेटा मॉडल, दे डू नॉट मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। अगर हम क्लास का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हम ये नहीं कह सकते ये क्लास नहीं है ये घोड़ा है, ये नहीं हो सकता, ये क्लास नहीं है ये जिन है। तो क्लास का कॉन्सेप्ट रहेगा, क्लास का कॉन्सेप्ट हम कहेंगे जी ये क्लास स्पेशल क्लास है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी ये क्लास सी शार्प की क्लास है, ये शार्प जावा की क्लास है, ये क्लास जो है ईजेबी की क्लास है। सो उसी क्लास के कॉन्सेप्ट को फर्दर हम थोड़ा नैरो डाउन कर देते हैं या स्पेशलाइज कर देते हैं। दिस इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोफाइलिंग। नाउ हाउ वी डू इट, वी क्रिएट अ प्रोफाइल डायग्राम। सो जब प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं तो एक प्रोफाइल का पैकेज बन जाता है। हमने इस प्रोफाइल पैकेज का नाम फॉर एग्जाम्पल रखा सर्वर्स। अब इस प्रोफाइल पैकेज के अंदर अब नए कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे, नया कॉन्सेप्ट या अडॉप्टेशन करेंगे। तो जो यूएमएल मेटा मॉडल है इट हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइस। हम क्योंकि यूएमएल मेटा मॉडल के अंदर ये डिवाइस की क्लास है तो हम इसे क्लास नहीं कहते बल्कि इसे हम मेटा क्लास कहते हैं। तो यूएमएल मेटा मॉडल में एक मेटा क्लास है जिसका नाम है डिवाइस। हमने वो उठाई और हमने कहा जी डिवाइस वी नीड अ स्पेशल डिवाइस और वो डिवाइस है सर्वर। तो ये अब हमारी स्पेशल डिवाइस है। हमने कहा जी ये एक सर्वर का कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम यूएमएल और इसमें तीन एट्रीब्यूट होंगे। वेंडर इसका हम स्पेसिफाई करना होगा जरूरी, उसका सीपीयू बताना होगा और उसकी मेमोरी भी बतानी होगी। और स्टीरियोटाइप के अंदर जो जो एट्रीब्यूट होते हैं इनको हम एट्रीब्यूट नहीं कहते बल्कि हम टैग्ड वैल्यूज कहते हैं। इन एट्रीब्यूट्स को स्टीरियोटाइप में टैग वैल्यू कहते हैं। तो ये हम वी आर डिफाइनिंग अ स्टीरियोटाइप विद द नेम ऑफ सर्वर एंड इट हैज थ्री एट्रीब्यूट्स और थ्री टैग वैल्यूज और हम उसकी एक आइकॉन एज एन अल्टरनेट नोटेशन भी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जी अगर स्टीरियोटाइप जिस क्लास पे भी हम अप्लाई करेंगे अगर हम चाहें तो हम उसका ये वाला आइकॉन भी एज एन अल्टरनेट नोटेशन बना सकते हैं। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? नो ओके। नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड जावा ईजेबी 3.0 यूएमएल प्रोफाइल। ये देखें इसी तरीके से एक पैकेज बना हुआ है, पैकेज प्रोफाइल ईजेबी 3 और इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफाइन है। सबसे पहले तो देखें मेटा क्लासेस कौन कौन सी हैं जो कि यूएमएल 2 से हम लेकर आए हैं। वन मेटा क्लास इज कंपोनेंट विच इज डिफाइंड एट M2 लेवल इन यूएमएल मेटा मॉडल। अनदर कॉन्सेप्ट इज ऑफ इंटरफेस एंड थर्ड कॉन्सेप्ट इज एन आर्टिफैक्ट। सो वी आर मेकिंग यूज ऑफ दीज थ्री कॉन्सेप्ट टू डिफाइन वेरियस स्टीरियोटाइप्स। अब कंपोनेंट में से हमने जो डिक्लेयर किए हैं कॉन्सेप्ट इसमें एक ये एब्स्ट्रैक्ट स्टीरियोटाइप बनाया है और उसके बाद फिर ये इस पे नीचे आ गए सेशन ईजेबी, एंटिटी ईजेबी, मैसेज ईजेबी। अब ये सारे कॉन्सेप्ट जावा ईजेबी के हैं। इसका सेशन ईजेबी में भी दो तरह के होते हैं, स्टेटलेस ईजेबी एंड स्टेटफुल ईजेबी। तो ये कंक्रीट स्टीरियोटाइप्स हैं चार, ये सेशन ईजेबी भी एब्स्ट्रैक्ट है। इसी तरह हमने मेटा क्लास इंटरफेस से तीन कॉन्सेप्ट ईजेबी के डिफाइन किए। वन इज रिमोट बिजनेस इंटरफेस, लोकल बिजनेस इंटरफेस एंड मैसेज लिस्ट इंटरफेस इंटरफेस। सो दीज आर थ्री स्टीरियोटाइप्स एंड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफैक्ट वी आर डिफाइनिंग अ स्टीरियोटाइप ईजेबी जार। यानी जब हम ये सारा ईजेबी बना लेंगे तो वील पुट इट इन अ जार एंड जार इज विल बी एन आर्टिफैक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफैक्ट। तो आपने देखा किस तरीके से हम प्रोफाइल बनाई हुई है। तो ये प्रोफाइल है यूज होती है, उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी है।
Any question on this slide? ओके चलें फिर आगे चलते हैं. आफ्टर डिफाइनिंग अ प्रोफाइल वी अप्लाई द प्रोफाइल. प्रोफाइल अप्लाई करने के लिए अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने जावा प्रोफाइल बनाई है, एक प्रोफाइल पैकेज है उसका, उसके अंदर मुख्तलिफ स्टीरियोटाइप्स पड़े हुए हैं. इसी तरह ये सबलेट की प्रोफाइल है, इसमें कुछ स्टीरियोटाइप बने हुए हैं, इसका हमें ब्लैक बॉक्स नोटेशन नज़र आ रही है, अंदर नहीं नज़र आ रहा क्या पड़ा हुआ है. बहरहाल ये पैकेज है. अब हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रोफाइल हैं दो, ये एक हम मॉडल बनाएं, यूएमएल मॉडल बनाएं जिसका नाम होगा वेब एप्लीकेशन. तो उस मॉडल पे हमने इस प्रोफाइल के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स डिफाइन किए हैं, दोनों प्रोफाइल्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट डिफाइन किए हैं, दोज कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन वेरियस यूएमएल एलिमेंट्स इन दिस वेब एप्लीकेशन यूएमएल मॉडल. तो हम ये इस तरीके से अप्लाई करेंगे जैसे ये नज़र आ रहा है. जब अप्लाई करेंगे तो इन दोनों प्रोफाइल्स के जो इसके अंदर स्टीरियोटाइप्स डिफाइंड हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे वेब एप्लीकेशन के मॉडल में, और फिर हम अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोफाइल है, हमने मेटा क्लास कंपोनेंट से एक स्टीरियोटाइप डिफाइन किया सबलेट. अब जब इस सबलेट स्टीरियोटाइप को हम एक मॉडल पे अप्लाई करेंगे तो मॉडल में फॉर एग्जाम्पल एक क्लास थी जिसका नाम था सर्च सबलेट. तो हमने जब इस पे सबलेट का स्टीरियोटाइप अप्लाई किया तो इस तरीके से यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया, सबलेट ऊपर नजर आना शुरू हो गया, ये स्टीरियोटाइप है. तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो सर्च सबलेट है ये एक तरह का सबलेट है, ये बताना चाह रहे हैं हम अपने मॉडल के अंदर. तो क्या किया हमने यहाँ पे, वी हैव अप्लाइड अ स्टीरियोटाइप फ्रॉम अ प्रोफाइल इन वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ आवर मॉडल. तो हम इसको प्रोफाइल्ड मॉडल कह रहे हैं एक तरह से, कि अब ये मॉडल इसके ऊपर कोई ना कोई प्रोफाइल के एलिमेंट्स अप्लाई हुए हुए हैं. एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? ओके नाउ यूएमएल प्रोफाइल इन एक्लिप्स. यू कैन क्रिएट यूएमएल प्रोफाइल यूजिंग पपायरस. अ गुड रीड on profile using papyrus is below link. You will find many videos on YouTube for creating various UML diagrams in papyrus. Let me give you the demo. पहले मैं सब कुछ क्लोज करता हूँ. अच्छा अब मैं जाता हूँ फाइल न्यू पपायरस मॉडल प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट में जाऊँगा मैं तो यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि प्रोफाइल बनानी है या यूएमएल मॉडल बनाना है. अब यूएमएल मॉडल में बहुत सारी डायग्राम्स होती हैं, वो फिर ऑप्शन आ जाएंगे मेरे पास. अगर मैंने प्रोफाइल बनानी है तो फिर मैं प्रोफाइल पर चेक कर दूँगा और इसके बाद आई कैन गिव इट सम नेम. मैं कहता हूँ कि जी जावा ईजेबी प्रोफाइल कर देते हैं. चलिए ईजेबी अब इसमें तीन ऑप्शन दे रहा है, जेनेरिक ट्री बनाना है या पैकेज डायग्राम बनानी है या प्रोफाइल डायग्राम बनाती है. हम कहते हैं प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे पहले तो सीधा सीधा. अब ये उसका पैलेट खुल गया है, यहाँ पे अब ग्राफिकली हम काम कर सकते हैं. लेकिन अब ये देखें कि इसका एक पैकेज ऑलरेडी बन चुका है, इसका एक पैकेज यहाँ बन चुका है, ये जैसे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये पैकेज ऑलरेडी इसका एक बन गया, यहाँ विजिबल नहीं है लेकिन जब हम बनाएंगे तो इस पैकेज के अंदर ही क्लासेस बनाई जाएंगी. दिस इज अ पैकेज.
अब मैंने एक मेटा क्लास इंपोर्ट करनी है यूएमएल मेटा मॉडल से, तो मैं ये यहाँ से मेटा क्लास लेकर आऊँगा तो पूरा यूएमएल मेटा मॉडल नज़र आ रहा है मुझे, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट उठाना चाहता हूँ, तो ये कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आ गया एंड आई डिड ओके, तो ये मुझे मेटा क्लास का रेफरेंस मिल गया मुझे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट इंपोर्ट कंपोनेंट, तो ये एक आ गया। अब ये एक्चुअल वहाँ से आया है, फिजिकली नहीं आया, इट इज काइंड ऑफ शॉर्टकट। इसके बाद मैं एक स्टीरियोटाइप डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी ये है सेशन दीन, सेशन ही ये भी, ये मैंने स्टीरियोटाइप डिफाइन किया। अब मैंने इसको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए एक्सटेंशन सिंबल यूज होता है फ्रॉम बॉटम टू अप, तो ये मैंने एक्सटेंशन सिंबल है इसका नाम ही आ गया ई सेशन ई जे बी टू कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट का नाम कंपोनेंट कंपोनेंट आ गया, ये आ गया, ये इसका नाम आ गया। तो अब ये फॉर एग्जाम्पल बन गई प्रोफाइल मेरी, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ईजेबी प्रोफाइल ये इस पैकेज के अंदर आ रही हैं, ये दोनों सेशन ईजेबी मेटा मॉडल और ये एक्सटेंशन सिंबल भी, ये सब इस पैकेज के अंदर ही हैं। अब मैं इसे सेव करता हूँ, जैसे ही मैं सेव का बटन दबाऊंगा आई विल गेट द मैसेज इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस प्रोफाइल इट हैड टू बी डिफाइंड, वुड यू लाइक टू डिफाइन इट, मैं कहता हूँ जी यस, डिफाइन करूंगा कुछ चीजें इसमें सेट होंगी, सेव और सील कंस्ट्रेंट इफ एनी इन टू प्रोफाइल डेफिनेशन, अगर लगाऊंगा मैं तो प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुली डिफाइंड। अच्छा प्रोफाइल को भी हम ये अब प्रोफाइल है ये देखें, इसके अंदर भी एक तरह का यूएमएल ही है, इसको भी मैं यूएमएल एडिटर में खोल सकता हूँ, तो आप ये देखेंगे ये भी प्रोफाइल उसी तरह एडिटर सा बना हुआ है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अच्छा अब ये प्रोफाइल जब डिफाइन करते हैं तो इसका एक M2 लेवल का मॉडल बन जाता है। अब ये देखिए M2 लेवल का एक तरह का प्रोफाइल का के कॉन्सेप्ट्स का वो बन गया है, क्योंकि अप्लाई करना है हमने इसको, तो ये एक तरह का M2 लेवल का कॉन्सेप्ट इसमें ट्रांसलेट हो जाती है प्रोफाइल, ताकि फिर आप M1 लेवल पे किसी मॉडल पे अप्लाई कर सकें। तो ये अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो अप्लाई करने के लिए अब मैं आप आगे आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक और प्रोफाइल पहले बनाई है क्लास से, वो अब उस पर चलते हैं। ये प्रोफाइल है ये प्रोफाइल मैंने बनाई है मेटा क्लास क्लास से, और इसमें ये स्टीरियोटाइप बनाया है, इसका नाम है जावा क्लास, और मैंने इसके साथ एक कंस्ट्रेंट लगाया है, कंस्ट्रेंट में लिखा हुआ है कि सेल्फ डॉट जावा वर्जन, यानी कि ये इसके साथ अटैच है, सेल्फ का मतलब है ये स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं, और जावा वर्जन का मतलब है कि ये जो जावा वर्जन का एट्रीब्यूट है इसके अंदर, इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाता हूँ कंस्ट्रेंट की बॉडी मैंने कैसे लिखी है, ये देखें मैं सेल्फ डॉट करूंगा तो ये खुल गया। अब जावा वर्जन इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन किया है तो वो नजर आ गया, मैं कहता हूँ जी इसका जो वर्जन है ना ये होना चाहिए 11.0, ये मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब जो कंस्ट्रेंट मैं लगाऊंगा प्रोफाइल पे ये कंस्ट्रेंट टेस्ट होगा जाके, जहाँ पे ये स्टीरियोटाइप अप्लाई होगा, स्टीरियोटाइप है जावा क्लास, ये अप्लाई होगा जाके किसी मॉडल में, वहाँ पर ये वैलिडेट होगा कि ये कंस्ट्रेंट वहाँ पे टेस्ट होगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट एक लेवल नीचे जाके वो
एक लेवल ऊपर लिखे जाते हैं ओसीएल कंस्टेंट्स और एक लेवल नीचे वो यूज होते हैं। तो अब मैं ये करता हूं कि अब मैंने इसके साथ ये एक मॉडल बनाया, ये खोलता हूं मैं। ये एक मॉडल है, इसके अंदर एक क्लास है, इस क्लास के ऊपर ये जावा क्लास का जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे स्टीरियोटाइप डिफाइन किया जावा क्लास का, वो यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब कैसे अप्लाई किया मैंने, सबसे पहले मैंने ये किया कि मैं इस मॉडल में गया हूँ, इस मॉडल में जाके मैंने प्रोफाइल ली है, प्रोफाइल में जाके मैंने यहाँ प्लस का बटन दबाया और यहाँ पे जो मैंने ये भी प्रोफाइल बनाई है ये मुझे नज़र आ रही है। ये मैंने सबसे पहले मॉडल के ऊपर प्रोफाइल अप्लाई की है, ये अप्लाई किया तो ये मुझे यहाँ नज़र आना शुरू हो गई है। अब ये होगा कि अब जब इस मॉडल के ऊपर प्रोफाइल अप्लाई होगी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो मैं जावा को सेलेक्ट करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। इसके अंदर मैं जाता हूँ कि मुझे पूछ रहा है जी अप्लाई सीरो टाइप, तो मैं यहाँ से प्लस बटन दबाऊंगा तो ये सीरो टाइप मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है इस पर, अदरवाइज ये इस साइड पे होगा, अदरवाइज सीरो टाइप यहाँ पे होगा। ये स्टीरियो टाइप मैं सेलेक्ट करके इसको अप्लाई कर दूंगा, ओके करूंगा, तो ये स्टीरियो टाइप यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा क्लास टू के ऊपर। अब इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स हैं या कोई हैं, तो अब ये जैसे इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट स्टीरियो टाइप में डिफाइन किया था, नाउ हेयर आई कैन चेंज वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी 11.2 फॉर एग्जाम्पल वर्जन है, तो वैल्यूज में आप डाल सकता हूँ यहाँ पे जो मैंने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं सीरो टाइप में। अब मैं उस पर यहाँ पे वैल्यूज डाल सकता हूँ, तो मैंने कोई इसकी वैल्यू डाल दिया 11.2 डाल दिया है, लेकिन मैंने कंस्ट्रेंट भी एक लगाया हुआ है। कंस्ट्रेंट मैंने लगाया हुआ है कि जी इसका वर्जन जो है ना 11.0 होना चाहिए जावा वर्जन, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 11.2। इसका मतलब है मैंने उस कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं कर रहा मैं, तो देखते हैं क्या करता है ये। आई सेव इट इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस प्रोफाइल यू इट हैज टू डिफाइन वुड लाइक डिफाइन इट, डिफाइन तो मैंने पहले ही कर ली थी, तो ये आ गया। इस पे मैंने वैल्यू डाली हुई 11.2। नाउ आई ट्राई टू वैलिडेट इट, ओ सी एल वैलिडेट, इट इज गिविंग मी एरर, वैलिडेशन एरर, द जावा क्लास कंटेंट कंस्ट्रेंट 8 इज इनवैलिड। ठीक है जी, सेल्फ डॉट जावा वर्जन 11.0 नॉट वायबल ऑल्टरनेटिव एट इनपुट 11.0। मकसद ये है कि क्यों ये एरर दे रहा है, बेसिकली कि मैंने वहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट लगाया था कि वर्जन इसका 11.0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने लगा दिया, इसका वैल्यू डाल दी है मैंने 11.2। ठीक है, अब मोस्ट लाइकली इसको एरर नहीं देना चाहिए, देखते हैं क्या करता है अब। लेट सी, एरर दे रहा है, पर डबल कोट आ रहा है इसमें। ठीक है, ये डबल सर डेटा टाइप है क्या जी? डेटा हाँ हो सकता है वो, बहरहाल ये आपको डेमो देना था, ये इसको अभी इसको डीबग करने का टाइम नहीं है कि किस तरीके से कंस्ट्रेंट अप्लाई किया जाता है और फिर कैसे उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग है, हो सकता है डेटा टाइप की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग दिया हुआ है ना मैंने, हो सकता है मुझे यहाँ स्ट्रिंग डालनी हो तो मैंने पकड़ के ऐसे ही 11 डाल दिया है, हो सकता है दिस कुड बी द रीजन, ये वजह भी हो सकती है। एक ट्राई और कर लेते हैं वरना वरना फिर आगे चलते हैं। सेव ओ सी एल, चले इसको देखना पड़ेगा, पर ये इट वर्क्स लाइक दिस, अभी इस वक्त डीबग करने का टाइम नहीं है।
आगे चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोफाइल पे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं और मॉडल पे उसको फिर हम वैलिडेट भी कर सकते हैं कि मॉडल उससे कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, सो ये सारा मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, सब कुछ बता दिए। इसमें देखें जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है कंस्ट्रेंट दे रहा है, तो ये पर काम करता है, ये सही हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफाइल विद सब प्रोफाइल्स। आप प्रोफाइल के अंदर सब प्रोफाइल भी बना सकते हैं, और वो सब बनानी पड़ती हैं जब आपका प्रोफाइल बहुत बड़ी बन रही हो। ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि जनरली जब आप रिसर्च पेपर पे काम कर रहे होते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि आप एक DSL बनाएं ई कोर मॉडल के साथ, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप, क्योंकि DSL में भी आप कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहे होते हैं, तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप UML प्रोफाइल के जरिए कॉन्सेप्ट डिफाइन करें, नए कॉन्सेप्ट डिफाइन करें कि जी ये कॉन्सेप्ट होंगे मेरे इस आइडिया में एंड हाउ दीज कॉन्सेप्ट आर गोइंग टू बी यूज। तो रिसर्च पेपर दो तरीकों से आप मॉडल ड्रिवन का बनाते हैं या हम बनवाते हैं। आइदर यू हैव टू डिफाइन न्यू कॉन्सेप्ट यूजिंग UML प्रोफाइल, और यू हैव टू डिफाइन न्यू कॉन्सेप्ट यूजिंग ई कोर मॉडल, उसको हम DSL भी कह देते हैं। इसको भी, प्रोफाइल को भी हम एक तरह का DSL कह सकते हैं, क्योंकि ये नई कॉन्सेप्ट, हम नई एक तरह की डोमेन, नए कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब बड़ी प्रोफाइल हो तो हम फिर उसको सब प्रोफाइल्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोफाइल है, टॉप लेवल प्रोफाइल है सिंप्लीफाइड रिक्वायरमेंट, और उसके नीचे फिर ये आ रही है SRML नोड, और दूसरी आ रही है रिलेशनशिप्स। तो नोड और रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को सब प्रोफाइल में डाल दिया है। तो दिस इज ऑल्सो फॉर बेटर मैनेजिंग द प्रोफाइल। ओके, द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट डायग्राम। एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम इज अ क्लास डायग्राम विद ऑब्जेक्ट्स एंड नो क्लासेस। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम पपायरस में अगर आपने बनानी हो तो आप क्लास डायग्राम में ही बनाते हैं, क्लास डायग्राम में ही बनाते हैं। ऑब्जेक्ट डायग्राम ओवरव्यू, नेक्स्ट स्लाइड शो सम मेजर एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट डायग्राम, नेम्ड एंड एनोनिमस इंस्टेंस स्पेसिफिकेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स, स्लॉट्स विद वैल्यू स्पेसिफिकेशन एंड लिंक्स। ये अगली स्लाइड पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इसमें देखें ये सेंटेक्स होता है, या ये एक विजुअल स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट डायग्राम का। एक तो देखें हर नाम के नीचे अंडरलाइन आ रही है, अंडरलाइन शोज दैट वी आर डिपिक्टिंग सम इंस्टेंस, सब अंडरलाइन, ठीक है। क्लास में जो नाम होते हैं उसमें अंडरलाइन नहीं आ रही होती। ऑब्जेक्ट के जब ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाते हैं तो इंस्टेंसिस को हम अंडरलाइन से शो करते हैं। तो ये सेंटेक्स आपने ध्यान में रखना है। फिर जब इंस्टेंस शो करते हैं या ऑब्जेक्ट शो करते हैं तो उसकी टाइप बतानी होती है। तो यहाँ पे देखें, हम कह रहे हैं जी लॉग, इंस्टेंस का नाम लॉग है और इसकी टाइप है लॉगर, ठीक हो गया। यहाँ पे इंस्टेंस की, ये जो इंस्टेंस है कंट्रोल लॉगिन, इसकी टाइप है, ये पूरी फुली क्वालिफाइड नेम लिखा हुआ आ रहा है, इसका ये डिफॉल्ट यू आर आई है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है। तो ये जो है ये पूरी टाइप कॉलन लगा होता है ना, कॉलन, कॉलन के राइट साइड पे टाइप होगी, लेफ्ट साइड पे नाम होगा। तो इसका लेफ्ट साइड पे कोई नाम नहीं है, इसका मतलब है इट इज एनोनिमस इंस्टेंस। इसी तरह ये भी एनोनिमस इंस्टेंस है, यूजर मैनेजर। तो यहाँ पे सिर्फ कॉलन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ना इसकी टाइप पता है हमें, ना इंस्टेंस का नाम पता है। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ 5 यूनिक एनोनिमस इंस्टेंसेस ऑफ अननोन क्लासिफायर। इसका ये है एनोनिमस इंस्टेंस ऑफ यूजर मैनेजर इंटरफेस, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि यहाँ पे ये जो एरो लगे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, इन लाइनों को हम एसोसिएशन नहीं कहते, वी कॉल दीज लिंक्स, इनको लिंक कहते हैं, एंड दीज आर इंस्टेंसेस ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि ऑब्जेक्ट डायग्राम क्लासेस के इंस्टेंसेस होते हैं, तो ये क्लास डायग्राम से ही ड्राइव होती है। तो एसोसिएशन के इंस्टेंसेस होते हैं लिंक्स, और क्लासेस के इंस्टेंस होते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो दिस हाउ इट लुक्स लाइक। फिर इसमें नेविगेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब है कि नॉन नेविगल नेविगेबल है इस साइड पे, और एरो इधर लगा हुआ है तो इट इज नेविगेबल ऑन दिस साइड, ठीक
ठीक है जी। तो ये जनरल सेंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट डायग्राम का, और क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट डायग्राम। तो फॉर एग्जाम्पल जी, एक मैंने क्लास डायग्राम बनाई है, और क्लास डायग्राम में आपको तीन क्लासेस नजर, दो क्लासेस नजर आ रही हैं, ब्लॉक एंट्री एंड ब्लॉक अकाउंट, और एक एसोसिएशन नजर आ रही है जो कि एसोसिएशन क्लास है, यानी कि एसोसिएशन है इसके साथ क्लास अटैच हुई हुई है। तो ऐसे ही है जैसे डेटाबेस में कॉन्सेप्ट होता है, रिलेशनशिप के भी एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ भी एसोसिएशन के साथ क्लास अटैच है, सी वी कॉल इट एसोसिएशन क्लास। तो अगर हम अपने इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो हम ये देखें, ब्लॉक एंट्री का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, नाम इसका रखा अकाउंट ऑफ टाइप ब्लॉक अकाउंट, ये ब्लॉक अकाउंट का इंस्टेंस ये आ गया, अकाउंट इसका नाम है इंस्टेंस का, ब्लॉक अकाउंट टाइप है, ब्लॉक एंट्री का इंस्टेंस ये वाला है, इसकी नाम है एंट्री, और कैटेगरी का इंस्टेंस है ये वाला ऑफ टाइप कैटेगरी। सो क्लास डायग्राम पहले बनाई जाती है, फिर उससे इंस्टेंसेस क्रिएट किए जाते हैं। सो दिस इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन्ड, इट एंड्स आर लेक्चर। इंस्टेंस का भी मैं देखता हूँ, डेमो बना दिखाता हूँ आपको। ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्लास डायग्राम, यहाँ पे आपको नजर आएगी इंस्टेंस स्पेसिफिकेशन, इंस्टेंस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस क्लासिफायर हमने डिफाइन करना होगा कि किसकी इंस्टेंस स्पेसिफिकेशन है। तो अब क्लासिफायर मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इस क्लास का इंस्टेंस बनाना है मैंने, तो ये दिस इज एन इंस्टेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ, और इसका क्लास टू, तो ये देखें ये इसकी इंस्टेंस स्पेसिफिकेशन बन गया है। अब वी आर डिपिक्टिंग दिस दैट इट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास टू, इसका नाम छोटा भी कर सकता हूँ मैं टाइम बता जी, क्लास टू, ठीक है जी। बस ये आपको बताना था कि ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। सो इट एंड्स टूडेज लेक्चर, और इसका पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।